हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे स्टडी गुरु। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सब टर्निंग पॉइंट ऑफ बिटवीन के बारे में। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब टर्निंग पॉइंट टेस्ट ऑफ बिटवीन एज पर IS 1205/2022। सबटेनिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर मोल्ड में भरे हुए बिटवीन के नमूने से स्टैंडर्ड बॉल पास कर जाए और 2.5 cm हाइट, जो ये हाइट दिया हुआ है, उस हाइट से गिरे अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। दूसरे रूप में ये भी बोल सकते हैं, सबटेनिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस अटेन्स ए पार्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टेनिंग अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ टेस्ट। मतलब सॉफ्टेनिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें बिटवीन का सैंपल एक मानक स्पेसिफाइड कंडीशन के तहत सॉफ्टेनिंग के डिग्री को प्राप्त कर ले। अब इसको टेस्ट करने के लिए जो ऑपरेटर्स चाहिए उसमें स्टैंडर्ड रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स। इसमें दो बॉल होता है जो ये फिगर में दिख रहा है। इसका डाया 9.5 mm होता है और वेट 3.5 ± 0.05 g होता है। ये जो रिंग है, दो रिंग होता है, ब्रास रिंग दो होता है। इसका डेप्थ 6.4 ± 0.1 mm होता है। इनसाइड डायमीटर एट बॉटम इसका 15.9 ± 0.1 mm होता है। इनसाइड डायमीटर एट टॉप 17.5 ± 0.1 mm। आउटसाइड डायमीटर 20.6 ± 0.1 mm। अब एक थर्मामीटर चाहिए। थर्मामीटर का कैपेसिटी 0 डिग्री से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। ये ग्लास वेसल आपको दिख रहा होगा, इसका डाया 85 mm और डेप्थ 120 mm होना चाहिए। और एक स्टीरर होना चाहिए, स्टीरर मैकेनिकली या मैनुअली दोनों हो सकता है। तो चलिए टेस्टिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बिटवीन को 75-100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लेते हैं और उसके बाद उसको स्टिर करते हैं ताकि उसमें अगर एयर बबूल या वाटर है तो रिमूव हो जाए। अगर ज़रूरत पड़ता है फिल्टर के लिए तो हमको IS-CU30 से फिल्टर कर लेना है। अगर ज़रूरत नहीं पड़ता है तो उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसके बाद रिंग को हम एक प्लेट पे शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने से पहले इक्वल मात्रा में ग्लिसरीन और डेक्सरीन का मिक्सचर बना के उस प्लेट पे लगा देते हैं जिससे बिटवीन उसमें छिपके नहीं। उसके बाद हम मोल्ड को फिल करते हैं। फिल करते समय ये ध्यान रखते हैं कि मोल्ड के हाइट से थोड़ा ज़्यादा हाइट तक फिल करते हैं। फिर मोल्ड को 30 मिनट्स एयर में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। आफ्टर 30 मिनट्स हम चाकू को थोड़ा वार्म कर लेते हैं और उससे उस मोल्ड के लेवल में बिटवीन का कट करके बराबर कर देते हैं ताकि बिटवीन का लेवल जो है वो मोल्ड के लेवल में हो जाए। उसके बाद ये पूरे असेंबली को हम वेसल में डालते हैं। वेसल में पहले से डिस्टिल वाटर आता है जिसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम उसमें आइस डालते हैं। रिंग के टॉप से 50 mm हाइट वाटर का होना चाहिए, डिस्टिल वाटर का होना चाहिए। अगर सॉफ्टेनिंग पॉइंट का टेम्परेचर 80 डिग्री से कम हो तो हम डिस्टिल वाटर यूज करते हैं और यदि 80 डिग्री से ज़्यादा है तो डिस्टिल वाटर के जगह हम ग्लिसरीन यूज करते हैं जिसका स्टार्टिंग टेम्परेचर 30+1 degree centigrade होता है। पुराने वाले कोड में इसका स्टार्टिंग टेम्परेचर 35 degree centigrade होता है। रिंग के बॉटम से नीचे वाले बेस प्लेट का हाइट 25 mm होता है। अब मोल्ड को जब हम वेसल में डालते हैं तो 15 मिनट तक वेट करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर 5 डिग्री, इंश्योर करते हैं कि 5 degree centigrade हो जाए। उसके बाद हीटिंग चालू करते हैं। हीटिंग का रेट ऑफ हीटिंग होगा वो 5 ± 0.5 degree centigrade पर मिनट होगा। और फिर उसके बाद देखते हैं कि बॉल किस टेम्परेचर पे और नीचे वाले बेस प्लेट पे, यानी 25 mm ड्रॉप होने के बाद बेस प्लेट से टच करता है। बेस प्लेट पे जब बॉल टच करता है तो उसके टेम्परेचर को हम नोट कर लेते हैं। इस तरह से बारी बारी से हम दोनों बॉल का टेम्परेचर नोट कर लेते हैं और दोनों का एवरेज कर देते हैं, वही सॉफ्टेनिंग पॉइंट होता है।
एवरेज ऑफ टू रीडिंग एट नियरेस्ट इसको 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिपोर्टेड करते हैं। अब दिया है द रिजल्ट शैल नॉट डिफर फ्रॉम द मीन बाय मोर देन द फॉलोइंग, ये टेबल दिया है। अगर 40 से 60 डिग्री सॉफ्ट टर्निंग पॉइंट है तो उसमें मीन से 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा डिफर नहीं होना चाहिए। अगर 61 टू 80 है तो 1.5 डिग्री से ज़्यादा डिफर नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये दिया हुआ है। अब कुछ प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन क्या है कि डिस्टिल वाटर हमको हीटिंग मीडियम के रूप में यूज करना है। दूसरा है कि रेट ऑफ हीटिंग जो 5 ± 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको मेंटेन करना है। तीसरा है कि स्टीरर जो मोल्ड में स्टीरर लगा है वो अच्छे तरह से लगा होना चाहिए जिससे सिंपल डिस्टर्ब या मोल्ड डिस्टर्ब ना हो। अब हम देखते हैं कि वीजी ग्रेड के जो बिटवीन है इनके सॉफ्ट टर्निंग पॉइंट का टेम्परेचर क्या होता है। तो वीजी 10 का मिनिमम 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वीजी 20 का मिनिमम 45 डिग्री सेंटीग्रेड, वीजी 30 का मिनिमम 47 डिग्री सेंटीग्रेड और वीजी 40 का मिनिमम 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पीपीटी के साथ हम इसके डिस्क्रिप्शन में सॉफ्ट टर्निंग पॉइंट का टेस्टिंग का एक्सेल का फॉर्मेट भी लिंक में दिए हुए हैं, जिससे आपको जरूरत होगा तो आप उस डिस्क्रिप्शन से उस लिंक से डाउनलोड करके आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मेट का प्रारूप है, इस रूप में है। जैसे सॉफ्ट टर्निंग पॉइंट टेस्ट हो गया IS 1205/2022, पीरियड ऑफ कूलिंग एट रूम टेम्परेचर 30 मिनट्स, रेट ऑफ हीटिंग 5 ± 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट, ये टाइम दिया है, पर मिनट में क्या चेंज होता है इसमें नोट करते जाएंगे। पहले बॉल का जो रीडिंग होगा वो नोट करेंगे, दूसरे का यहाँ मीन होगा। अब यहाँ हमने रिमार्क्स के नीचे, यहाँ रिमार्क्स में जो आपका टेम्परेचर आएगा उसको लिखेंगे। अब हमने क्या किया है कि नीचे जो भी आपका बिटवीन आजकल यूज हो रहा है उस सबका सब ट्रेनिंग पॉइंट क्या होता है एक समरी के रूप में दे दिए, ताकि इस फॉर्मेट से ही आपको पता चल जाए कि किस बिटवीन के लिए सब ट्रेनिंग पॉइंट क्या होता है। जैसे PMB 64 to 10 है, इसका मिनिमम 60 होता है। PMB 70 to 10 का 65 होता है, 76 to 10 का 70 होता है, 80 to 10 का 80 होता है और 76 to 22 का 75 होता है। इसी तरह CRMB 50 का मिनिमम 50, CRMB 55 का 55, CRMB 60 का मिनिमम 60, PMB 120 का 50, PMB 70 का 55, PMB 40 का 60। इस तरह से ये इसमें पूरा हमने समराइज कर दिया है सब ट्रेनिंग पॉइंट को, ताकि आप फॉर्मेट जब खोलें तो फॉर्मेट देखें ही आपको पता चल जाए कि किस बिटवीन ग्रेड का सब ट्रेनिंग पॉइंट कितना होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।